उठेगा झंडा होगा एल्गार, कांग्रेस करेगी अब आर्या पार, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को ललकार, 2024 में क्या ऐसे होगी नैया पार। दो हजार चौबीस की चुनावी धमक अभी से सुनाई देने लगी है। विपक्षी दल कांग्रेस कमर कस चुकी है, मुद्दों के तीर तलवार में धार दी जा रही है। अब होने जा रही है वो चढ़ाई जिसका मकसद देश की सत्ता से बीजेपी की जड़ों को हिला देना है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं वो राजनीतिक पंडित जिन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उसकी मंशा को परख लिया है, जिसकी जबरदस्त चर्चा इन दिनों देश के राजनीतिक गलियारों में हो रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव की ऊंची चढ़ाई की शुरुआत 7 सितंबर से करने जा रही है। ये वही दिन होगा जिस दिन वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसमें कांग्रेस अकेली नहीं होगी, बल्कि इसमें उसके साथ होंगी वो 150 सिविल सोसाइटीज जिन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया है। इस समर्थन देने वालों में एक खास नाम है योगेंद्र यादव का, जो इस मूवमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये यात्रा इस वक्त देश की जरूरत है। उनके साथ साथ अरुणा राय, पीवी राजगोपाल, सैयदा हमीद जैसे एक्टिविस्ट ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने समर्थन देने वाली सिविल सोसाइटीज के प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। ये यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होगी और 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए कुल 3500 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म होगी। इस देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से भारतीय संविधान के विपरीत व्यवस्था काम कर रही है, जिस प्रकार से जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता चला जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, इसलिए उदयपुर के नवसंकल्प प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कि वे चाहती हैं कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाए। कांग्रेस के इस भारत जोड़ो अभियान को लेकर चर्चाएं हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा के पीछे कांग्रेस का मिशन इलेक्शन 2024 भी है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देश की सियासत में इस तरह की यात्राएं वो अचूक प्रभाव छोड़ती रही हैं जिसने नेताओं को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाया है। देश में 1980 से 90 के दशक के बीच की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा की थी। आगे चलकर वे 1990 में देश के प्रधानमंत्री बने। साल 2003 में आंध्र प्रदेश के नेता राजशेखर रेड्डी ने 1500 किलोमीटर की यात्रा कर 11 जिलों को अपने कदमों से नाप डाला था। आगे चलकर 2004 में वे मुख्यमंत्री बने। राजशेखर रेड्डी की इसी पदयात्रा की वजह से 2004 में सीएम पद गंवाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने भी 2013 में 1700 किलोमीटर की पदयात्रा की और इसका असर भी हुआ। वे 2014 में चुनाव जीत कर फिर से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे। लिहाजा अब इसी क्रम में कांग्रेस के इस अभियान को जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस तरह की यात्रा के जरिए कांग्रेस 2024 के चुनाव की मुश्किल चढ़ाई को भी आसान बनाना चाहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।